बीजेपी के प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, दो डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की संभावना। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पंचतत्व में विलीन, अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। मनोहर पर्रिकर के निधन पर देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक और गोवा में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी गंगा यात्रा शुरू करते ही पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला, कहा चौकीदार अमीरों के होते हैं, किसानों के नहीं। नदी के किनारे बसने वाले समुदायों से मुलाकात की। यूपी में कांग्रेस की तरफ से 7 सीटें छोड़ने पर मायावती के बाद अखिलेश ने भी कांग्रेस को सुनाया, कहा सपा बसपा रालोद गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए काफी, भ्रम ना फैलाएं। बीजेडी ने लोकसभा के लिए 9 और विधानसभा के लिए 54 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, सीएम नवीन पटनायक हिंजली और बीजेपुर से चुनाव लड़ेंगे। समझौता ट्रेन धमाका मामले में फैसले के लिए एनआईए की विशेष अदालत ने 20 मार्च की तारीख तय की। और नीदरलैंड में एक शख्स ने ट्राम में गोलियां चलाई, एक की मौत।